अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं कद्दू का दाल चा बना रही हूँ, हैदराबादी दाल चा। ये देखिए, आधा किलो हड्डी का गोश्त ली हूँ मैं। ये पूरे मसाले, तेल, धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, अदरक, लहसुन, कद्दू, दो प्याज की डली, हरी मिर्ची, गरम मसाला पूरे, शाहजीरा, लौंग, इलायची, पट्टा, तेज़पत्ता, शाहजीरा, तीन टमाटर, करियापाक, दाल भीगी हुई है, घंटा पहले भिगाई थी मैं, पर कद्दू को अपनी मर्जी कैसा भी शेप में काट सकते हैं। इमली 50 ग्राम, कोतमीर पुदीना। देखिए मैं बताती हूँ बनाना। दाल में धोकर रखी थी तीन चार पानी से, कुकर में डाल लेना है। आधा पोसर थी ये दाल। एक गिलास पानी, देखिए थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा सा तेल, क्योंकि दाल उबल के ऊपर नहीं आए सीटी में से। ढक्कन लगा के चार सीटी के बाद खोलना रहता है इसको, ठीक है। ये देखिए दाल गल चुकी है, ठंडी करके पीसना है। ये देखिए तेल डाल रही मैं, फर्स्ट डेढ़ चम्मच डाल रही हूँ, इससे डेढ़ डाली, एक पे आधा, क्योंकि उसमें चिकना रहता ना तो तेल कम डालना चाहिए। फिर उसके बाद गरम मसाला, प्याज, इसी तरह घुमाते रहना चाहिए। थोड़ा सा हल्का ब्राउन ऑन हो गया, मैं एक चम्मच भरा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ। अच्छा से थोड़ा, देखिए अदरक लहसुन हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही माशाल्लाह, ब्राउन हो गया है। आधा चम्मच हल्दी, फिर हल्दी डालने के बाद एक चम्मच, एक बार ऐसा घुमा के फिर ये डाल देना गोश्त, क्योंकि तो हल्दी जल जाती, ठीक है। ये देखिए एक चम्मच भरा हुआ नमक डालना है इसे, बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से डालने का रहता है। ऐसा एक घूम अच्छा मिला के अच्छा, उसके बाद मिर्ची डालना है, लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच फुल डालना है, क्योंकि हरी मिर्ची भी डालना है अपने को। चलाते हैं ना हाथ इसी तरह, ये देखिए अच्छा तेल छूट रहा है इसमें। अच्छा मिलाने के बाद फिर बाद में टमाटर डालना है, इसलिए टमाटर डालना है। एक दो मिनट ऐसा घुमाते हुए, इसी तरह घुमाना चाहिए। ये देखिए, ठीक है मैं पानी डाल दूँ एक गिलास। डालने के बाद चार पांच सीटी होने देना है, ठीक है। ये देखिए दाल ठंडी हो गई, दाल में जो पानी था वही डाल रही हूँ मैं, और पानी एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ इसमें, पानी जार में से बाहर आ जाता ज़्यादा पानी डालने से। ये देखिए थोड़ा मोटी है, बारीक नहीं है बिल्कुल। ये देखिए हमारा गोश्त गल चुका है, कद्दू डाल देना है इसमें, और इस कद्दू गले तक पकाना है। अच्छा कांवला तो है, जल्दी गल जाएगा इंशाल्लाह, एक 10 मिनट तक इसको थोड़ा ढककर पकाना है कद्दू गले तक। नमक अभी जरिए अपन एक चम्मच डाले थे, फिर अभी एक चम्मच डाल रही हूँ, दो चम्मच हो गए। एक कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, हरी मिर्ची डाल रही हूँ चार पाँच। अभी इसको आधे घंटे तक पकना है।
ये देखिए कद्दू गल गया है। अब इसमें मैं खट्टे का पानी निकाली हूँ, इमली का, इसमें मिक्स करके डालना है। देख के डालना, छान के रखी हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता नीचे। इसको सब मिक्स करके देखिए, धनिया पाउडर डालना है 1 चम्मच। पकने के बाद लास्ट में हरा मसाला डालना, कोथमीर, पुदीना, दमपे। अभी थोड़ा ये देखिए मैं बघारा खाना भी बना रही हूँ। 2 पसर चावल, 2 पसर मीन्स आधा किलो, और 2 डली प्याज, हरी मिर्ची, 5-6 गरम मसाला पूरा पट्टा, शाहजीरा, लौंग, तेज़पत्ता, पुदीना, कोथमीर, अदरक लहसुन। देखिए 1 चम्मच घी, अपनी मर्जी असली घी डालना है, असली घी डाल रही हूँ मैं। डालडा घी तो डालडा घी डाल सकते हैं। और बघार होने के बाद गरम मसाला, ये देखिए गरम मसाला डालना फर्स्ट। हो गया हमारा तेल घी दोनों मिक्स। ये भी डाल देना साथ में एकदम। ब्राउन होने तक करना है। ये देखिए तेल डाल रही हूँ, 1.5 चम्मच तेल, और थोड़ा सा घी भी डालना है टेस्ट होता। ये देखिए प्याज हो रही हमारी, देखिए हल्का से ब्राउन हो गई। अभी इसमें अदरक लहसुन डालूंगी मैं, 1 चम्मच फूल डालूंगी। ये देखिए अच्छा से भून लेना इसके खुशबू आने तक, अदरक लहसुन की खुशबू आने तक। नमक डालना है, चावल के हिसाब से डालना है, अपन 1/2 किलो चावल को हल्का हल्का 2 चम्मच डालना है। ये चम्मच से हल्का 2 चम्मच डालना है, वो तो हल्का ही मीन्स फुल नहीं है, हाफ लाइट, बिल्कुल नहीं डालना है। और हम लोग रहने वाले हैं वरंगल, तेलंगाना के हैं हम लोग। मैं रेसिपी शुरू करी हूँ, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ गलती है तो माफ़ी चाह रही हूँ, प्लीज़। जैसा देखिए वैसा हो रहा है। अब इसमें अदरक लहसुन डालना है, इसे फर्स्ट थोड़ा डालना है, क्योंकि इससे क्या है, पुदीना कोथमीर क्यों डालना है बोले तो फर्स्ट थोड़ा अच्छा खुशबू आ जाए, फर्स्ट डालना स्टार्टिंग में। तो अदरक लहसुन डालने के बाद ये देखिए इस तरह होना है, हो गया है। पानी डालना है तो ये कांच के गिलास से 2 गिलास, ये देखिए मैं फुल 2 गिलास ले ली। अपना पुराना चावल है तो 3 गिलास लेना। ये विजय मसूरी है, मैं बासमती टेस्ट नहीं रहती ना दालची में, चावल टेस्ट नहीं रहता, बल्कि मैं बासमती नहीं ली हूँ, विजय मसूरी है। मैं नींबू भी डालती, इससे क्या है खाना खुला खुला होता। अच्छा साफ करके डालना है, तो सब में लकड़ी का चम्मच यूज करती हूँ, स्टील का चम्मच नहीं पसंद मेरे को। ये देखिए पकने तक छोड़ना है इसको ढक के। देखिए चावल हो रहा है, ये देखिए ऐसा हो गया, एक कनी बाकी है, दम पे रख देना है। दम पे रखने के टाइम पे ये कोथमीर पुदीना रखी थी ना मैं, ये डाल देना है इसके ऊपर से, फिर बाद में कलर अपनी मर्जी। देखिए कलर, ये कलर है रेड कलर, अपनी मर्जी डालना है डालें, नहीं तो नहीं, मेरे को पसंद है ये, थोड़ा सा कलर डालना है, छोड़ देना फिर इसको। ये देखिए खाना हो गया माशाल्लाह, अच्छी खुशबू आ रही,
हो गया ऑफ कर रही हूँ चूल्हा, दाल चा भी हो गया है, इसमें कोथमीर पुदीना डालना है। पुदीना, देखिए हमारा खाना बन चुका है, पकारा खाना दाल चा, माशाल्लाह बहुत टेस्ट है। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करिए। अल्लाह हाफिज़।